तो दोस्तों बिहार बीएड एडमिशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स जरूरी है जो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू दिखाना होगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप मिस करते हैं तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकती है आपको एडमिशन के लिए। तो इस वीडियो में टोटल डॉक्यूमेंट्स को मैं बताने आ चुका हूँ, तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा तो जो ऑफिशियल तो 2020 का डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, जो बीएड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट 2020 का, जहां पे आप देखते हैं यहां पे टोटल आपका लिस्ट यहां पे जारी किया गया है जो आपको मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से, जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए सारी बात को जान लेते हैं। उससे पहले तो आपको मेरे स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप थ्रू मैसेज करके बिहार बीएड या बिहार डीलेट एडमिशन से रिलेटेड पल पल का न्यूज प्राप्त कर सकते हैं। अब तो मैंने यहाँ पे ग्रुप बना दिया, गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज के लिए अलग ग्रुप है, बीएड के लिए अलग ग्रुप है, डीलेट के लिए अलग ग्रुप है। तो प्लीज आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और हाँ तो बिहार बीएड में एडमिशन के लिए कुछ कॉलेज में मेरा थोड़ा संपर्क है, तो अगर आप चाहते हैं एडमिशन के लिए तो प्लीज आप मुझसे कॉन्टेक्ट बनाकर रखिएगा, मैं आपको हो सके तो उसमें एडमिशन दिला सकता हूँ। दोस्तों आते हैं आगे, तो जहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये तो उससे पहले तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना, अपने दूसरे व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करना ताकि उन्हें भी ये इंफॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों सबसे पहला है सीईटी बीएड 2020 एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड जो आपने एग्जाम दिया था एंट्रेंस एग्जाम, तो उस एग्जाम को देने के लिए आपने एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया था आपको वो पेपर को रखना जरूरी है। उसके बाद तो नेक्स्ट है जो बीएड 2020 काउंसलिंग रिकमेंडेशन। दोस्तों आपको काउंसलिंग के लिए जो रिकमेंडेशन किया गया था कि काउंसलिंग कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है, आपको जो रिकमेंडेशन किया गया था, आपको जो डेट दिया गया था कि इतने से इतने तारीख को काउंसलिंग के लिए, तो आपको वो रिकमेंडेशन लेटर भी देना होगा। उसके बाद तो नेक्स्ट है जो है थर्ड है फाइनल सिलेक्शन फॉर द एडमिशन आफ्टर काउंसलिंग। ठीक है, बीएड एडमिशन के लिए काउंसलिंग के बाद जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिया गया था लेटर कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन करना है, जो आपको फाइनल सिलेक्टेड हुआ यानी कि 6 तारीख को जो आपका रिजल्ट आएगा 6 नवंबर को, वो आपको भी लेटर यहाँ पे आपको काउंसलिंग के लिए देना होगा। उसके बाद तो नेक्स्ट है जो आप आज कर दे सकते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों फोन नंबर, मैट्रिक का आपको मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट दोस्तों एडमिट कार्ड तो नहीं, एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ कि अगर आपके पास है तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन होता है यहाँ पर आपका मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट। उसी तरह से आपका इंटर का भी आपका मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, उसी तरह से ग्रेजुएशन का भी आपका मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट आपको जरूरी है। उसके बाद तो नीचे आते हैं जो आपका, अगर आपका यूनिवर्सिटी सेम है, ठीक है, अगर आपका यूनिवर्सिटी सेम है तो आपको माइग्रेशन नहीं लगेगी। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है, मान लेते सपोज कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं पटना यूनिवर्सिटी से, आप एडमिशन ले रहे हैं आप बीएड में आर्मी यूनिवर्सिटी में, तो आपका माइग्रेशन लगेगी, ये माइग्रेशन आपको डॉक्यूमेंट्स के में दिखाना होगा। उसके बाद तो आपका जो है टीसी है, सीएलसी है, वो भी आपको दिखाना होगा ओरिजिनल। ठीक है, उसके बाद तो आते हैं नेक्स्ट जो एमए, अगर आप एमए किए होंगे तो उसका भी आपका मार्कशीट और प्रोविजनल आपको दिखाना होगा, मतलब कि आपका डिग्री जो भी आपको दिखाना होगा। उसके बाद तो आते हैं नीचे जितना भी है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आपको सर्विस मैन अगर आप एक सर्विस में काम करते हैं उसका सर्टिफिकेट हो गया, दिव्यांग अगर आप आते हैं पीएच कोटी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल सारा आपको देना होगा, दिखाना होगा। और हाँ तो ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये सभी डॉक्यूमेंट्स का आपका फोटोकॉपी भी आपको ले जाना है और ओरिजिनल भी ले जाना है। फोटोकॉपी का हो सके तो एक जो होती है डाटा पूरा आपको अलग से बनाना होगा, उसको पंच कर लेना, और सभी फोटोकॉपी का जो भी पेज है उसके लास्ट में आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि आप अपना उस दिन का डेट डाल के अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है, वो हो सके तो कॉपी आपको वहीं जमा हो जाएगी, ओरिजिनल कॉपी क्या होता है आपको रिटर्न करके दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद तो नेक्स्ट जो लास्ट है, जैसे तो यहाँ पर आप देखते हैं 13 नंबर जो आपका आधार कार्ड, यानी कि तो यहाँ पर आधार कार्ड नहीं है, ऐसा कि नहीं आधार कार्ड हो सके तो कुछ भी आप अपना जो भी पहचान आईडी है, वोटर आईडी हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, वो आप ले जाकर अपना शो कर सकते हैं। और हाँ तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना मिस कर दिया हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट है, क्या है कि आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप सभी को 4 फोटो ले जाना होगा पासपोर्ट साइज, वो भी आपको अपना कलर 4-4 फोटो ले जाना होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, क्योंकि ये आपको हो सके तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप वहाँ पे जमा भी कर लेती है कुछ फोटो को आपको फॉर्म के साथ। तो दोस्तों ये थी जहाँ पे मैं सारी बातें बता चुका हूँ। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मारना, अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करना ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ तो जो नंबर दिया गया उस नंबर पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप थ्रू मैसेज करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारी बातों को अपडेट करता रहूँगा और मैं एडमिशन दिलाने में भी आपको हेल्प करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।